वारंगल जिला। वारंगल जिले के प्रभारी मंत्री पंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि उन्होंने उन पर विश्वास करके अधिकारी को वोट दिया। उन्होंने बताया कि चुनाव में दी गई 6 गारंटियों को एक एक करके लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वारंगलपुर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 258 करोड़ रुपए की धनराशि से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी चेक वितरित किए जाएंगे। विकलांगों को तिपहिया वाहनों का वितरण स्थानीय लोगों की अध्यक्षता में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवदाय मंत्री कोंडा सुरेखा, वारंगल जिले के प्रभारी मंत्री पोगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, राज्य मंत्री श्री तक्का, हनुमाकोंडा विधायक नैनी राजेंद्र रेड्डी, शहर के मेयर गुंडू सुधा रानी, स्थानीय नगर सेवक चिंता कुला अनिल, कांग्रेस नेता मिसाल प्रकाश, एम ए जब्बार एवं अन्य लोगों ने भाग लिया और चेक सौंपे। इस अवसर पर मोटरसाइकिलें प्रदान की गई। मंत्री श्रीनिवास रेड्डी कोंडा सुरेखा ने कहा कि लोगों ने विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और उन्हें सत्ता दी और सरकार उनके विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना वारंगल, नवभारत समाचार से कैमरामैन महेंद्र के साथ अक्रम की रिपोर्ट।